तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई खैरियत से घर भी वापस आ गया, तुम्हारी शादी की डेट भी आगे नहीं बढ़ी। तुम मजाक कर रही हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरी शादी छोड़ के चली जाओ? यार मैं क्या करूं, शाइसा आंटी ने फंक्शन की डेट उसी डेट को रख ली। अब शाइसा आंटी से कह के मैं फंक्शन की डेट तो चेंज नहीं करवाऊंगी ना, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जाना या ना जाना तो तुम्हारे हाथ में है, मत जाओ। अरे यार ऐसे कैसे ना जाऊं, खुद तो तुम मजे से शादी कर रही हो, मुझे भी अपनी शादी के बारे में सोचने दो। शादी? यार वो क्या है ना कि शाइसा आंटी ने मुझे नबील के लिए पसंद किया है, इसलिए तो इतने स्टार पर बुला रही है ताकि मैं उनके रिश्तेदारों से मिल सकूं, उनका रहन सहन देख सकूं। वैसे एक बात है, उनके और हमारे रहन सहन में फर्क बहुत है, लेकिन मुझे अपना भी पता है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। रोशनी, उमर। उमर क्या? उमर क्या? इतनी जल्दी तुम भूल गए कि उमर क्या? यार अब मैं उमर के इंतजार में बैठ के बूढ़ी तो नहीं होती रहूंगी ना, और नबील के रिश्ते के लिए मेरे घर वाले राजी हैं, और इस रिश्ते को मैं किस बलबूते पे मना करूं? उमर ना तो नौकरी करता है और ना ही अपने आप को इस काबिल बना रहे कि मेरे लिए रिश्ता लेकर आ सके। तुम जल्दबाजी कर रही हो, जल्दबाजी मत करो। अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है रोशनी, उमर काम पे भी जाता है, उसे नौकरी भी मिल जाएगी और घर वाले मान जाएंगे। मैं अम्मी से बात करती हूँ, हम तुम्हारा रिश्ता लेके आते हैं। लेकिन रिश्ता तो मेरे घर वालों को मंजूर करना है ना, तो वो नबील के आगे उमर के रिश्ते को हाँ क्यों करेंगे? हर कोई अपनी बेटी के लिए बेहतर से बेहतर सोचता है। ये क्यों नहीं कहती कि तुम अपने लिए बेहतर से बेहतर सोच रहे हो? फिर यही समझ लो, इसमें बुराई क्या है? चाहता है वो तुम्हें। नबील भी मुझे चाहते हैं। चाहते? मर जाएगा वो। वो नहीं मरता, वो जिंदा ही है, और वो इतना अकलमंद है कि उसको समझ आ चुका है मैं खुद को उससे दूर कर रही हूँ। तभी तो बहाना बनाकर मुझसे दूर हो गया ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। वो तो बेचारा इस आस में है कि उसकी आस खत्म कर दो। तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है। और तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी तो क्या हुआ, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ ही हैं।